गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास, दिस इज 12th चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश लिटरेचर बुक. ठीक है, 12th चैप्टर है आपकी इंग्लिश लिटरेचर बुक का. द ब्राह्मिनी एंड द मैन, द ब्राह्मिनी एंड द मैंग्रूव्स. तो मैंग्रूव्स क्या होता है बेटा, यानी नेवला जो होता है आपका वो होता है मैंग्रूव्स. ठीक है, और ब्राह्मिनी यानी जो ब्राह्मण की वाइफ होती है उसको बोलते हैं ब्राह्मिनी. ठीक है, तो ये चैप्टर है एक ब्राह्मिन के बारे में और जो नेवला उन लोगों ने पाल रखा था उसके बारे में. देव सिंह वॉज अ ब्राह्मिन, जो देव सिंह था वो एक ब्राह्मण था, हु यूज टू लिव विद हिज वाइफ इन अ सर्टेन टाउन, जो एक गांव में रहता था, एक शहर में रहता था. टाउन मतलब शहर, शहर में रहता था अपनी वाइफ के साथ. वन डे हिज वाइफ गेव अ बर्थ टू अ सन, एक दिन क्या हुआ कि उसकी जो वाइफ थी उसने एक बच्चे को जन्म दिया. एंड दे वर वेरी हैप्पी, और वो बहुत ही ज्यादा खुश थे. द वेरी सेम डे, और उसी दिन क्या हुआ, जो फीमेल मैंग्रूव्स थी gave birth to a baby mangroves. ठीक है, जो फीमेल मैंग्रूव्स थी उसने जो एक छोटे से बच्चे को, मैंग्रूव्स को यानी एक छोटे नेवले को जन्म दिया. vicinity of his house, ठीक है, उसके घर के अंदर. as destiny would have it, the mother mangroves died soon after the birth. और क्या हुआ कि क्या कहते हैं, जो मदर थी वो मर गई मैंग्रूव्स वाली. ठीक है, जो मदर नेवला थी वो मर चुकी, मर गई थी बर्थ के बाद. When they observed this, जब उन्होंने ये देखा ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने, they took pity on him and the Brahmin's wife adopted the little mangroves and started looking after him as his own son. जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने ये चीज देखी कि उनकी जो माँ है वो मर गई है और जो छोटा बच्चा नेवला है वो अकेला रह गया, तो उनको बहुत दया आई और उन्होंने क्या किया, उस छोटे नेवले को अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया और उसको अपने सन की तरह वो रखने लग गई ब्राह्मणी. शी सर्व्ड हर ओन ब्रेस्ट मिल्क टू बोथ हर ओन सन, यानी वो अपना खुद, जैसे बेबीज को अपनी छाती से लगा के दूध पिलाते हैं वैसे वो उस मैंग्रूव्स को भी पिलाने लग गई. एंड द लिटिल मैंग्रूव्स बाथ देम टुगेदर, और नहाते भी साथ में थे. दे पुट ऑयल ऑन देम टुगेदर, साथ में तेल लगाती थी उस पर. शी वॉज फॉन्ड मदर ऑफ बोथ ऑफ देम, शी वॉज अ फॉन्ड मदर ऑफ बोथ ऑफ देम, यानी उन दोनों की बहुत ही मतलब चहीती माँ थी वो. बोथ हर सन्स, उसके जो दोनों बेटे थे यानी एक मैंग्रूव्स और एक जो उनका खुद का बेटा था, वर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से भी बहुत स्नेह था उनको. एंड सेंट ऑल द टाइम टुगेदर, और पूरा टाइम यानी पूरा टाइम जो था वो साथ स्पेंड करते थे, साथ बिताते थे. हाउएवर शी वॉज नॉट अ फूल, एंड नोइंग दैट द मैंग्रूव्स वॉज एन एनिमल इन द रियलिटी, शी ऑलवेज कीप अ गार्ड. ठीक है, हाउएवर शी वॉज नॉट अ फूल, मगर वो एक जो औरत थी वो पागल नहीं थी, उसको पता था कि. एंड नोइंग दैट द मैंग्रूव्स वॉज एन एनिमल इन द रियलिटी, और क्या जानती थी कि जो मैंग्रूव्स है वो असलियत में है तो एक जानवर ही. शी ऑलवेज कीप अ गार्ड, तो वो हमेशा ध्यान रखती थी इस चीज़ का, क्योंकि जानवर है, जानवर का कुछ पता नहीं है, कभी कुछ काट ले या कुछ हो जाए. ही इज अ मैंग्रूव्स एंड विल सून डेवलप एन एनिमल इंस्टिंक्ट दैट ही वॉज इनहेरिट फ्रॉम हिज स्पीसीज, क्योंकि वो एक जानवर था, उसको कितना भी स्नेह कर लो मतलब थोड़े टाइम बाद वो सारी चीज़ें उसमें दिखने लग जाएंगी जो उनके सारी स्पीसीज में होती है, यानी जो एक बड़े मैंग्रूव्स में होती है वो सारी चीज़ें उसमें दिखने लग जाती. सम डे ही मे हार्म माई ओन सन, और वो उसको लगा कि शायद वो एक दिन मेरे खुद के बच्चे को मार डाले. शी सो ऑलवेज कीप अ वॉच ऑन देम, और इसीलिए हमेशा उन पे नजर रखती थी दोनों पे वो क्या कर रहे हैं. वन डे शी हैड टू फेच सम वाटर, एक दिन उसको कुछ पानी लेने जाना था. ठीक है, सो शी पुट हर सन टू बेड, तो अपना बच्चा जो था वो बेड पे कर दिया. एंड वाइल गोइंग आउटसाइड विद द पिक्चर आस्किंग हर हस्बैंड टू कीप अ वॉच. ठीक है, और अब मतलब जब वो पानी लेने जा रही थी तो अपने बेटे को उन्होंने क्या बोल, अपने सॉरी हस्बैंड को क्या बोला कि इनका ध्यान रखना. शी सेड आई एम गोइंग टू वेल टू फेच सम वाटर, और मैं कुएं तक जा रही हूँ कुछ पानी को लेने के लिए. प्लीज लुक आफ्टर ओन सम एंड मेक श्योर मैंग्रूव्स डज नॉट हर्ट हिम बाय मिस्टेक, मतलब अपने बेटे का जो है वो ध्यान रखना, और ध्यान रखना कि जो नेवला है वो गलती से हमारे बेटे को हर्ट ना कर दे, चोट ना लगा दे. द ब्राह्मण वॉज केयरलेस, जो ब्राह्मण था वो बहुत ही ज्यादा केयरलेस था, लापरवाह था. विदाउट इन्फॉर्मिंग हिज वाइफ ही गॉट प्रिपेयर्ड एंड वेंट टू बेग फॉर आर्म्स, लीविंग द लिटिल मैंग्रूव्स एंड देयर सन अलोन विद देमसेल्व्स. और ब्राह्मण जो था बहुत ही केयरलेस था, अपनी वाइफ को बिना बोले उसने प्रिपेयर किया और जो भिक्षा होती है वो मांगने के लिए चला गया.
ठीक है, भिक्षा मांगने के लिए, और मैंग्रूस को और अपने बेटे को वहीं पर छोड़ दिया अकेले। एज इट हैपेंड ड्यूरिंग द वेरी टाइम देवर अलोन अ पॉइजनस स्नेक एंटर्ड द हाउस थ्रू अ होल एंड स्टार्टेड अप्रोचिंग द ब्राह्मण सन। और क्या हुआ, वो काफी देर तक अकेले रहे तो अचानक से क्या हुआ, एक जहरीला सांप जो है वो घर के अंदर घुस गया एक छोटे से होल से, और ब्राह्मण का जो लड़का था उसके पास जो है वो पहुंचने की कोशिश करने लगा। व्हेन द मैंग्रूस सॉ दिस ही अटैक्ड हिज नेचुरल एनिमी टू डिफेंड द चाइल्ड। और जब नेवली ने इस चीज को देखा तो उसको अपने जो हमेशा से उसका दुश्मन रहा है उस पर अटैक कर दिया, ठीक है, और अपने जो बच्चा था उसको बचाने के लिए, हु वॉज लाइक अ ब्रदर टू हिम, जो उसके लिए एक भाई जैसा था। Although he was, small and the snake was strong, he fought with all his might and bit the snake into pieces. क्योंकि मगर वो जो छोटा था, मैंग्रूस का बच्चा ही तो था, वो छोटा सा, मगर स्नेक जो था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, तो वो उसके लिए लड़ा और आखिर में जो स्नेक थे उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, एंड इवेंचुअली किल्ड द स्नेक, और सांप को मार डाला। हिज माउथ एंड क्लॉ वॉज ऑल स्वॉर्ट विद स्नेक्स ब्लड, मतलब उसका जो मुंह था, उसके जो पंजे थे, सारे के सारे खून में लथपथ थे स्नेक के। द लिटिल मैंगोस वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट्सेल्फ, और अपने आप पे बहुत उसको गर्व हुआ कि उसने अपने भाई को बचा लिया, एंड वेटेड आउटसाइड द हाउस फॉर द ब्राह्मण्स वाइफ, और घर के बाहर वेट करने लग गया कि ब्राह्मण की जो वाइफ है वो कब आएगी। ही वॉज ईगर टू शो हिज मदर हाउ ब्रेव ही वॉज, और बहुत ही ज्यादा उत्सुक था ये अपनी मदर को दिखाने के लिए वो कितना ब्रेव है। Knowing her husband carelessness, the Brahmin's wife was tense and was returning in hurry when she saw the little mongoose coming towards her. और ये जानते हुए कि उसका जो husband है वो बहुत ही ज़्यादा careless है, जल्दी जल्दी जो है वो ब्राह्मण की वाइफ जो है वो आने लगी, और उसने क्या देखा, एक छोटा mongoose जो है वो उसका इंतजार कर रहा है। She noticed that he was covered in blood and without thinking jumped on the conclusion that the mongoose must have attacked her son, मतलब उसने देखा कि जो मैंग्रूस था वो खून में लथपथ था, और बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ देखे उसने ये अनुमान लगा लिया, ये सोच लिया कि मैंग्रूस ने मेरे बच्चे को अटैक किया है। एंगर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड ही थ्रू हिज हैवी पिक्चर ऑल ऑफ वाटर एंड शी वॉज कैरिंग ऑन हिज लिटिल मैंग्रूस, द लिटिल मैंग्रूस वॉज सीवरली वाउंडेड। अब उसने क्या किया, गुस्से में और फ्रस्ट्रेशन में उसने क्या किया, जो उसका पूरा मटका था या जो भी मर्तमान था जिसमें वो पानी लेने गई थी, वो पूरा उसने लिटिल मैंग्रूस पे फेंक दिया। जो वो था वो मैंग्रूस जो था यानी जो नेवला था वो बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड हो गया। शी रैन इनसाइड, और अंदर भागी। शी वॉज अमेज टू सी दैट सन सेफली स्लीपिंग इन द क्रेडल एंड शी देन सॉ द स्नेक नियर द क्रेडल दैट हैज बीन टोर्न इन टू श्रेड्स। तब जैसे ही वो अंदर घुसी उसने देखा कि बेटा तो अंदर सो रहा है आराम से पालने में, और जो स्नेक है वो टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है क्रेडल के पास यानी पालने के पास। एट वंस शी रियलाइज वॉट हैड हैपेंड, फिर उसने सोचा उस पर कि क्या हुआ होगा। शी वॉज हार्ट ब्रोकन विद द थॉट ऑफ हैविंग हर्ट द लिटिल मैंग्रूस हु वॉज लाइक अ सन टू हिम, और फिर उसका दिल टूट गया ये सोचकर कि उसने उस मैंग्रूस को, उस नेवले को मारा जिसको वो अपने सन की तरह समझती थी। नॉट नोइंग हु टू ब्लेम व्हेन हर हस्बैंड रिटर्न टू होम शी एक्सप्लेन्ड एंड दे वर बोथ वेरी सॉरी फॉर द सफरिंग ऑफ द सेकेंड सन। द वाइज इंडीड सेड थिंक हार्ड एंड डू नॉट एनीथिंग इन द हस्ट, यानी और जब उसका पति आया तो उसने सारी चीज उसको बताई कि ये हो गया था, ऐसे ऐसे हुआ है, और वो बहुत ज्यादा दोनों सॉरी हुए कि उसने अपने सेकेंड सन को इतना मार दिया। तो इसीलिए समझदार लोग क्या कहते हैं कि पहले सोचो कुछ भी करने से पहले, और बिना सोचे कोई भी काम जल्दबाजी में मत करो। आपका जो चैप्टर है बेटा वो यहाँ पर फिनिश हो